मेरे पास का फोन गया था, छाया का गया था। ये मेरी छोटी बहन है, मेरे राखी बांधती है, पिछले 2 सालों से राखी बांधती है, मैं उसको अपनी सगी बहन की तरह जैसे कि ये चीज़ अगर कोई भी चीज़ हो जाती है तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है, उसे बचाया जाता है। और शहीदों की नगरी में आज भी गंगा जमुना की तहजीब मौजूद है। जो धर्म के नाम की, जो मजहब के नाम की सियासत करते हैं, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा छाया शर्मा ने और शानू ने मारा। आपको बता दें, कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तिराई में सुबह गैस सिलेंडर में आग लगी और जबरदस्त आग लगी। परिवार के लोग घबरा गए। महेश चंद्र शर्मा के मकान में सिलेंडर में आग लगी, उसके बाद के आस पड़ोसी आए लेकिन आग नहीं बुझी। और इसी बीच छाया शर्मा ने अपने भाई शानू को फोन करा और बहन की आवाज पर भाई दौड़ा चला आया और आने के बाद जद्दोजहद करके आग को बुझाया। और इसके साथ साथ शानू ने अपनी बहन के साथ साथ अपने माता पिता के परिवार को भी बचाया। बाखूबी आप देख रहे हैं, महेश चंद्र शर्मा मोहल्ला तिराई जहां पर आग लगी थी सिलेंडर में, लेकिन बहन की आवाज पर भाई दौड़ा चला आया। हालांकि हमने पूछा, शानू से भी पूछा और छाया से पूछा, तो क्या कुछ कहना था इन लोगों का, आइए विस्तार से हम सुनाते हैं। जी छाया शर्मा। अच्छा अच्छा छाया शर्मा, ये बताओ ये सिलेंडर में आग लगी जी, तो पूरा मोहल्ला है, कौन आया था, कैसे लगी और किसने बुझाई? जैसे कि मेरा भाई चाय बनाने के लिए जा रहा था, तो जैसे कि उन्होंने ऑन किया और जैसे ही लाइटर ऑन किया वैसे ही वो आग एकदम से बढ़ गई। हम लोगों ने बहुत बुझाने की कोशिश की बट बुझ नहीं पाई। फिर मोहल्ला भी सारा इकट्ठा हुआ, सारे ने कोशिश की मगर किसी ने आग नहीं बुझा पाई। मैंने भाई को बुलाया। किन भाई को? शानू भाई को। ये कहाँ रहते हैं? ये लोहार वाले चौराहे पे रहते हैं। अब मैं इनकी राखी बांधती हूँ। अब मैं इनकी राखी बांधती हूँ। अब मैं इनकी राखी बांधती हूँ। अच्छा जी। फिर बेटा फिर बुलाया आपने? मैंने बुलाया और भैया ने आग बुझा दी 10 मिनट में। और फिर हमने छाया शर्मा के भाई शानू से पूछा, तो क्या कहना था शानू का, आइए वो भी सुनवाते हैं। घर पर सो रहा था, मेरे पास जब फ़ोन गया तो मैंने अचानक फ़ोन उठाया तो यही बिटिया जो है एकदम रोने लगी कि भैया जल्दी से आ जाओ, आग लग गई है, सारा सब कुछ बर्बाद हो गया। तो मैं ऐसे ही उठा जैसे जिस कंडीशन में था, तुरंत ही मैं भाग कर आया। मैंने जब यहाँ पर देखा काफ़ी भीड़ लगी थी और काफ़ी लोग इकट्ठा थे और घर में बहुत ज़्यादा आग के लपटे उठ रहे थे, बट यहाँ पे कोई बुझाने नहीं आ रहा था। तो मैं आया, मैंने तुरंत ही उसको जो भी साधन मुझे मिले मैंने कोशिश करी बुझाने की, फिर भी नहीं बुझी। फिर मैंने एक बोरे को उसको बार बार पटका, पटकने के बाद वो आग हल्की पड़ी, उसके रेगुलेटर को निकाला तब जाके आग बुझी, उस पर काबू पाया है। तो आपके पास फ़ोन किसका गया था? मेरे पास का फ़ोन गया था, छाया का गया था। ये मेरी छोटी बहन है, मेरे राखी बांधती है, पिछले 2 सालों से राखी बांधती है, मैं उसको अपनी सगी बहन की तरह मानता हूँ। ये मेरी छोटी बहन है, मेरे राखी बांधती है, पिछले 2 सालों से राखी बांधती है, मैं उसको अपनी सगी बहन की तरह मानता हूँ। ये मेरी छोटी बहन है, मेरे राखी बांधती है, पिछले 2 सालों से राखी बांधती है, मैं उसको अपनी सगी बहन की तरह मानता हूँ। आप समाज को मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं समाज को बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये हिंदू मुसलमान वाली बातें छोड़ दो, एक बन के रहो, क्योंकि सुख दुख में जब किसी के ऊपर दुख पड़ता है तो कोई धर्म या मजहब नहीं देखता है, इंसानियत देखता है। इंसानियत से रहिए और सब लोग एक साथ कंधे से कंधा। मैसेज देना चाहूँगी, यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हिंदू मुस्लिम है सब एक बन के रहें, किसी को वो मत करना। इंसानियत का पैगाम। जैसे कि ये चीज़ अगर कोई भी चीज़ हो जाती है तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है, उसे बचाया